आप वहां नहीं जाते, दार्जिलिंग में आपका सांसद है, वोट देकर भेजा है आपको, आप वहां भी नहीं जाते, आप बोडोलैंड से भी वोट मिला है आपको, वहां भी आप नहीं जाते, तो आप कहां जाएंगे हुजूर, आप कहां जाएंगे? लेकिन वो पुरानी हिंदी गीत है ना, अजी हमसे रुक के कहां जाइएगा, जब चुनाव आएगा यहीं आइएगा, और जब हमारे पास आएंगे तब हम भी आपको इस बार ठान लिए हैं कि बार बार हम मूर्ख होने वाले बुड़बक होने वाले में से नहीं है। इस बार हमने सोचा है अगर आप हमें सिर्फ वोट लेते हैं हमसे, तो हम भी सिर्फ वोट के ही नजरिए से आपको भी देखेंगे, उससे ज्यादा देश की नेता की हैसियत से नहीं देखेंगे। लेकिन इन सब में आज मैं गोरखालैंड की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक हम इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे कुछ होने वाला नहीं है। और छोटी बात कहनी है मुझे यहाँ पर, एक बात जरूर कहूंगा, जितने भी लोग अलग राज्य के मामले में जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे विभिन्न जगह में देश में, मेरा एक सपना है, ये सपना मोदी जी का सपना जैसा नहीं है, वो तो सपना माने उठते ही नहीं है, देखते ही रहते हैं, मेरा सपना है और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब भी दूसरी बार आप दिल्ली आते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम अलग से दिल्ली आते हैं, हम अपना कार्यक्रम करते हैं, आप अपना कार्यक्रम करते हैं, क्यों ना एक बार बोडोलैंड में सब अलग राज्य मांगने वाले लोग वहां इकट्ठा हो और ऐसा ये बढ़िया सा प्रोग्राम करें, हम अकेले अकेले करेंगे, दबाव नहीं पड़ेगा। एक बार हम तो निमंत्रण देते हैं, जब आप कहेंगे दार्जिलिंग चले आइए, हम ऐसे ही एक प्रोग्राम करेंगे, अच्छा माहौल अच्छी जगह भी है, और वहां से भी हम संदेश देंगे। प्रधानमंत्री अभी तो कुछ महीने के लिए मोदी जी हैं, 19वें कौन आएगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन व्यवस्था वही है, जो भी प्रधानमंत्री आएगा इस बार हम कड़ा संदेश भेजे उन लोगों को कि बार बार इन जगह को के माने रहने वालों को आप बुड़बक मत समझिएगा, इस बार हम जरूर इनको भी कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये माहौल मुझे मिला, अपनी बात कहने की जगह मिली, लेकिन इससे बड़ी बात है हम इकट्ठे होकर हर जगह पर त्रिपुरा पर करेंगे एक बार कार्यक्रम, सब चलेंगे त्रिपुरा, बोडोलैंड में चलेंगे एक बार, विदर्भ में भी जाएंगे एक बार, और दार्जिलिंग तो मैं खुला निमंत्रण दे रहा हूं आपको, जब भी आप लोग तैयार रहिएगा हम दार्जिलिंग में भी आपको बुलाएंगे और वहां पर से भी हम अपना कार्यक्रम रखेंगे, अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि डेमोक्रेसी है, मेजोरिटी की जिसकी मेजोरिटी वही देखते हैं ये लोग, हम लोग कम है संख्या में इसीलिए हमको कुछ पत्ता नहीं देते ये लोग, हम एक एमपी भेजते हैं, दो एमपी भेजते हैं, कोई कल भी मैंने कहा एक लकड़ी क्या चले एक राम का क्या चले, हम कम है, अगर हम ज्यादा होते, अगर हम 6-8 एमपी भेजते तब मोदी जी दौड़ कर आते, लेकिन इस बार हम कहते हैं अब बार बार हम दिल्ली नहीं आने वाले, बहुत हो गया दिल्ली में, हमें मालूम है दिल्ली ऊंची सुनती है, बार बार हम दिल्ली नहीं आएंगे, ऐसा माहौल होने तक आप प्रतीक्षा मत कीजिए कि आपको दौड़कर त्रिपुरा जाना पड़े, आपको दौड़कर बोडोलैंड जाना पड़े, आपको दौड़कर दार्जिलिंग आना पड़े, ऐसा माहौल हम तैयार करके रहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता को जनार्दन भी कहा गया है, आपको मालूम है जनार्दन क्या है, जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, कृष्ण को जनार्दन भी कहते हैं, तो ये तो कृष्ण है, ये जनार्दन है, ये जनता जिसने आपको दिल्ली की ऊंची सीट पर रखी है, यही जनता है, अगर आप इसको ही नजरअंदाज करेंगे, इसको ही नेग्लेक्ट करेंगे, तो साहब आपके भी दिन गिने चुने रह गए हैं। इससे पहले अभी कुछ वक्ताओं ने यह भी कहा था कि संविधान में सब कुछ है, तो जो है वहां पर वो तो दीजिए भाई साहब, हम कोई संविधान के बाहर का कोई चीज तो नहीं मांग रहे हैं, और जो मांग रहे हैं एकदम देश की नागरिक को जो मिलना चाहिए उसी के तहत हम मांग रहे हैं, तो आपकी आपत्ति क्या है? देश की कोई भी कोने में, मैंने पिछली बार भी कहा था जब बुलेट ट्रेन चली मोदी साहब की अहमदाबाद से मुंबई तक, तब मैंने यही जंतर मंतर से कहा था, अरे वाह साहब आपका भारत का आइडिया इतना ही है कि अहमदाबाद से मुंबई जुड़ गया तो इंडिया जुड़ गया, आपका बुलेट ट्रेन दौड़ना चाहिए त्रिपुरा से दिल्ली तक आना चाहिए, बोडोलैंड से दिल्ली तक आए, अरुणाचल से दिल्ली आए, दार्जिलिंग से दिल्ली आए, तब हम सोचेंगे हाँ भाई प्रधानमंत्री का आइडिया देश का वाकई अच्छा है, ये वाकई में देश को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन अहमदाबाद से मुंबई ये क्या बात हुई? इसीलिए
आप जिनको भारतीय कहते हैं, हमको तो भारतीय भी नहीं कहते, बोडो का भी वही हाल है, गोरखाओं का भी वही हाल है, सबकी नजर से देखते हैं हमें। लेकिन आप जिन्हें भारतीय समझते हैं, भारतीय कौन है, एक परिभाषा देकर जा रहा हूं आपको, मैं लंबा खींचना नहीं चाहता। भारतीय वो है जो भारतीय का भाषा दूसरी भारतीय से नहीं मिलता, भारतीय वो है जो भारतीय का वेशभूषा दूसरी भारतीय से नहीं मिलता, भारतीय वो है जिस भारतीय का संस्कृति दूसरी भारतीय से नहीं मिलता, खान पान दूसरी भारतीय से नहीं मिलता। मैं दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी नीचे उतरता हूं तो मुझे लगता है मैं दूसरी देश में आ गया, क्योंकि बंगाली भाषा चलता है, वहां खान पान अलग है, वहां का वेशभूषा अलग है। इसीलिए हमें अलग अलग नजरे से देखने से पहले आप सोचिए, ये भारत है जो आज यहां जमा हुआ है, और वो भी भारत है, और हमें किसी की सर्टिफिकेट पाने की जरूरत नहीं है, हम भारत के बोलकर प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जितने डिमांड है ये छोटे छोटे राज्य के, आप उसको सिंपैथेटिकली देख दीजिए, उन पर न्याय कीजिए। आप इतने लंबे खींचेंगे, इतने लंबे रहेंगे कि मोदी के बाद मोदी का बेटा भी, ओ बेटा तो नहीं, उनकी शादी नहीं, कुछ भी हो वो नहीं, बेटा नहीं है तो बीजेपी के दूसरे लोग भी आएंगे, जैसे वाजपेयी के बाद मोदी जी आ गए, मोदी जी के बाद एक और कोई आएगा। लेकिन जब तक आप जनता को नहीं सोचेंगे, कोई कुछ होने वाला नहीं है। हमारी तो रामायण शुरू होती है, रामायण में लिखा गया है, शुरू में नेपाली रामायण में है, नारद एक दिन पृथ्वी पर आ गए, किसी लिए आए नारद, क्योंकि लोक का हित करने के लिए आए, नहीं नारायण के पास गए, पृथ्वी से नारायण के पास गए नारद, उनका एजेंडा था लोक का हित कैसे किया जाए। अब सोचिए, मोदी साहब भगवान भी जानते हैं कि लोक का हित नहीं करेंगे तो हमारी पूजा कोई करने वाला नहीं है। टाटा इतना रुपया जमा कर लिया, लेकिन एक माने टाटा कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल खड़ा किया उसने, क्योंकि लोक का हित करना है। बिरला ने मंदिर किया, अस्पताल किया, क्यों किया, क्योंकि उसे मालूम है रुपया जमा करने से कोई अमर नहीं रह सकता, लोक का जो हित करता है उसी का नाम दुनिया में रह जाता है। आप भी कीजिए भैया, आपको तो वही करने के लिए भेजे हैं, क्या कर रहे हैं वहां बैठकर। तो दूसरी बार मेरी वक्तव्य अंत करने से पहले मैं आपको यही गुजारिश करना चाहूंगा कि अगली बड़ी सम्मेलन दार्जिलिंग में हो, हम लोग आपकी स्वागत करेंगे, उसके बाद एक त्रिपुरा, बोडोलैंड, सब जगह हो, बैठकर करें, क्योंकि हम इकट्ठा आएंगे तब ही ये डरेंगे, इकट्ठे नहीं आएंगे तब हमें अकेला अकेला एक एक करके तीसरे में पड़ी चाहिए।